टुडेज लेसन नंबर सेकंड। आज का लेसन हमारा टू है और जो कि दाल ग्रुप के बारे में है। दाल ग्रुप में तीन ग्रुप होते हैं, दाल, दाल और दाल। इन तीनों पे जैसे डॉट है, दाल जो है हमारा सिंपल है और दाल जो है उस पर तो है छोटी सी और दाल पे एक डॉट है। तो इन तीनों को हम गोल बनाते हैं और जो इन पर डॉट लगे हैं उनसे हम इनकी पहचान करते हैं कि किसको क्या पढ़ा जाता है। और जैसे कि हमने रा ग्रुप में पढ़ा था, रा, रा, जा और जा। तो रा क्या होता है, हमारा सिंपल होता है, रा पर भी इसी तरीके से तो छोटी होती है और जा पर भी इसी तरीके से डॉट होता है और जा जो पढ़ते हैं उस पर तीन डॉट होते हैं। तो इन दोनों की जो शक्लें हैं थोड़ी थोड़ी वो सिमिलर हैं, शक्लें तो सिमिलर हैं इनकी, अलग अलग हैं शक्लों में इनका डिफरेंट है, लेकिन इनका सिमिलर जो है वो है इनका मिलाना। जैसे कि रा ग्रुप हमारा जो है वो ज्वाइन नहीं होता स्टार्टिंग में, ऐसे ही दाल ग्रुप है जो कि ज्वाइन नहीं होते, लेकिन बस यही सिमिलर है इनमें, और कोई सिमिलर नहीं है, बाकी अलग अलग है। दाल का साउंड अलग आता है, रा का अलग आता है। तो बस यही जो है इसमें सिमिलर कि ये भी शुरू में किसी के साथ अटैच नहीं होते और ना ही जैसे रा ग्रुप है वैसे ही ये भी है, ये अटैच नहीं होते, ज्वाइन नहीं होते किसी के साथ, ज्वाइन नहीं कर सकते हमें ना। जैसे हमने यहाँ दाल लिखा है तो अलिफ भी अलग है और रा भी अलग है, ऐसे ही दाल अलिफ, दाल अलिफ, दाल अलिफ, ये सब अलग अलग है, दा दा दार दारा, तो हमने इनको अलग अलग लिख रखा है। अगर दाल किसी हुरूफ के लास्ट में आता है जो कि ज्वाइंट होता है, इसकी आदि शक्ल होती है, तो हम उसके साथ इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे हमने ये बद, हद, जिद, तो इसमें ये सब आधे आधे बनते हैं, इनके साथ हम इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी आगे आप हुरूफ पढ़ेंगे जिनके साथ आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारा ऐसे ही है वाओ, इसी में वाओ है, तो वाओ को हम इस तरीके से बनाते हैं और इसे हम वाओ पढ़ते हैं इस वाले हुरूफ को। तो इसमें जो ये वोट लिखा है तो वाओ जो है हमें इसने वी का साउंड दे रहा है, और सेकंड जो रोल है इसमें ओ, और ये बूट है इसमें यू का साउंड आ रहा है। तो वाओ भी सेम ऐसी है, अगर हम इसे किसी के साथ जोड़ना चाहें तो इससे पहले जो ग्रुप अगर जॉइंट हो रहा है तो हम जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ वाओ वाओ लिखा है, ये दोनों नहीं जोड़ सकते, यहाँ रा वाओ लिखा है तो ये भी ज्वाइन नहीं हो सकते, लेकिन यह बा के साथ ही ज्वाइंट हो रहा है और वाओ के बाद तो कुछ ज्वाइंट होगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पे टा खाली ऐसे लिखा है, सिंपल सा अपना पूरा। इसकी लेसन नंबर टू की है, बुक का लेसन है, तो इसमें हम देखेंगे कि नन कनेक्टर है, दाल दाल दाल, पहले वाला हमारा ये दाल है, ये दाल है, ये दाल है, सब गोल बने हुए हैं, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इसमें इनकी जो डिफरेंसेस है वो कोई डिफरेंस नहीं है, बस रा और दाल में क्या क्या डिफरेंस है वो देख लीजिए। रा इस तरीके से बनता है और ये दाल है, दाल ग्रुप, रा ग्रुप, इन दोनों का डिफरेंसेस यहाँ पे भी दे रखा है। जैसे कि मैंने बताया था ये स्टार्टिंग में रहे या फिर लास्ट में रहे, दोनों की सेम ही शक्ल होती है, कोई चेंजेस नहीं होती शक्ल में।